गया रुक गया रुक गया साला, मैं जा रहा, मैं ओपन में जा रहा, मार दो। तो यार आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार ये वाली गेम में ना हमारे साथ दो रैंडम बंदे खेल रहे थे जिनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि भाई वो मिलिट्री बेस आए, लेकिन भाई किसी प्रकार से ना मैंने इनको फॉलो करवा करवा के ना ज़बरदस्ती उनको जो है मिलिट्री बेस ले आते हैं, और अब उनको भी जो है हमारे साथ आना ही पड़ता है क्योंकि भाई अब उतर चुके थे तो भाई यहीं पर आ जाते हैं वो। अब देखना ये था कि भाई इन लोगों को जो है ज़िंदा रख पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये लोग जो हमसे थोड़ा दूर उतर जाते हैं क्योंकि इन पर भरोसा नहीं था। ओबियसली किसी भी रैंडम बंदे को आपके ऊपर भरोसा नहीं रहता है, वैसे इनके साथ भी था। अब यहाँ पर ना मेरे खुद के ही लगे हुए थे भाई, क्योंकि मेरे को गंदी मिली और वहाँ पे वो बंदे जो है निपटना स्टार्ट हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे मेरे को दो एसएस मिली थी, थोड़ा बहुत डैमेज खाया मैंने, लेकिन वहाँ से मैं भाग गया। अब होता क्या है कि इनके ऊपर ना एक पूरी की पूरी टीम अटैक कर रही थी, चार बंदे मेरी आंखों के सामने गए, तो मैं वहाँ पे ना डैमेज खाया हूँ, देखो 1 HP बचा हूँ सिर्फ, तब भी जो है मदद करने के लिए आता हूँ इनकी। सो देखना होगा कि इनको जो है बचा पाता हूँ कि नहीं। फिलहाल यहाँ पे इस बंदे को देखना मेरे मुँह पे आके खड़ा हो जाएगा, इसको मैं बोल रहा था कि आगे पीछे हो जा वरना जो है नॉक हो सकता है तू, बट ये बंदा जो है सही टाइम पे हट गया। अब मैंने एक बंदा नॉक कर दिया, उनका दूसरा डैमेज था काफ़ी। यहाँ पे मैंने दूसरे को कह सकते हो डैमेज देने की ट्राई करी है। अब थोड़ी देर भी यहाँ पे यार काफ़ी भसड़ मच गई थी, लेकिन एट द एंड जो है इनकी टीम की ऑलमोस्ट सारे बंदों को ख़त्म कर दिया, सिर्फ एक बंदा बचा हुआ था। अब यहाँ पे ना एक बंदा आता है और देखो निपटाते कैसे उसको। अब यहाँ पे मैं उसको मारने वाला था, कितनी देर में वो जो है मुड़ जाता है, और मैंने सोचा था एक काम करता हूँ नेट फेंकते हैं रिफ्लेक्ट करवाता हूँ, बट मेरे को नहीं पता था कि यार नेट जो दरवाज़ा है वो उसको बचा लेगा। सो यहाँ पे दरवाजे ने इसको बचा लिया और मैं समझ के जा रहा था कि एक बंदा वहाँ पे। सो मैंने सोचा कि यहाँ से अगर एंगल बनता है तो ठीक है इधर से जाते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट घुसते हैं ख़त्म करते हैं। लेकिन भाई वो जो मैंने नेट फेंका था ना इसी बंदे के लिए फेंका था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दरवाज़ा था तो वो टूट जाता है, बट वो बंदे को कुछ ज़्यादा होता नहीं है, थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था बट बाद में उसने मेरे नॉक कर दिया। फिलहाल यहाँ पे जो है सब कुछ क्लियर था। अब होता क्या है कि टावर के ऊपर एक कुछ बंदे थे, यानी कि 3 से 4 बंदे थे वहाँ पे, और देखो फिर आप कैसे निपटाते इनको। एक को मैंने नॉक कर दिया था, अब मेरी HP यार देखो मैं कितनी कम HP में लड़ रहा हूँ, लेकिन इतने में दूसरे को भी नॉक करने की ट्राई करता हूँ, उसको भी नॉक किया, फिर तीसरे को। अब यहाँ पे एक इनका बंदा बचा हुआ था, अब यहाँ पे जो इनका आखिरी बंदा था यार वो साइड से मेरे टीममेट फिनिश कर देता है, और यहाँ पे जो ये वाली टीम हम निपटा देते हैं। अब यहाँ पे ना थोड़ा बहुत लूट वूट करते हैं क्योंकि लूट सबसे इंपॉर्टेंट थी मेरे पे, अभी भी जो है कोई भी यहाँ पे फर्स्ट एड नहीं थी, इतने मेरे टीममेट नॉक हो जाता है। अब मैं सोच रहा था यार इसको मारा कहाँ से, क्योंकि मैंने टीम को फिनिश कर दिया, लेकिन एक बंदा ना पता नहीं कहाँ पर बचा हुआ था, और मैं देखता हूँ उसको सामने मेरे जस्ट सामने था, और क्योंकि वो 1 HP था तो मैंने उसको मारा भी हेड, और इसी के साथ जो है वो वाला बंदर फिनिश हो जाता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी यहाँ पे कि फ्लेयर मिल जाती है, फ्लेयर काफ़ी बंदों के पास थी यार, लेकिन उन्होंने छिपा के रखे हुए थे। खैर एक दो फ्लेयर हो जाती हैं, एक दो मेरे टीममेट के पास थी, एक मेरे पास थी तो हो गया। और अब फिलहाल बारी थी यहाँ से निकलने की, पहले फिनिश कर देता हूँ। लेकिन एक चीज़ की अभी भी कमी थी भाई, वो थी फर्स्ट एड। मैं बिल्कुल ऐसा 5 HP में पूरी फाइट लट लिया, लेकिन अभी तक कहीं पर भी मेरे को जो है फर्स्ट एड नहीं दिखी। अब फिलहाल मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है थोड़ा वेट किया जाए, ऊपर मैंने एक बंदे को जो नॉक किया था शायद उसके पास मेरे को फर्स्ट एड मिल जाए, तो चेकआउट करने के लिए जाता हूँ मैं ऊपर। और यहाँ पे जो है मेरे को वो बंदा दिखा था काफ़ी दूर चला गया था। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब मैं जा ही रहा था कि भाई तभी पीछे से फायरिंग होती है, पता लगता कि एक और टीम है यहाँ पे, और भाई काफ़ी ज़्यादा टीमें थी यहाँ पे। फिलहाल अब इस टीम को भी निपटाना है मेरे को। अब यहाँ पे होता क्या कि ये सब बहुत ऊंचा ऊंचा लाउड लाउड आपस में बातें कर रहे थे, तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, समझ भी नहीं आ रहा था, बट इतना पता था कि भाई उस बिल्डिंग में बंदे हैं और एक से ज़्यादा तो हैं वो भाई, फायर से ही पता लग जाता आदमी के। फिलहाल वहाँ पे मेरा एक टीममेट साफ साफ बता देता है कि छत के ऊपर है, और यहाँ पे इनके मैं एक डंप बंदे से मिलवाता हूँ। देखो अब यहाँ पे मैंने इनके दो बंदे को नॉक कर दिया था, एक और बचा हुआ था, और देखो फिर उसको भी कैसे इजीली निपटा दिया। और इनका एक बंदा जो है वहाँ पे नॉक हो चुका था, वैसे उनके एक बंदे ने भी बचाया है, तो हमने भी जो है बदले में जो है पूरा पूरा एकदम हिसाब किताब जो है क्लियर कर दिया। लेकिन एक चीज़ की कमी अभी भी थी, वो थी भाई फर्स्ट एड। खैर कुछ प्रकार से मेरे को यहाँ पे कुछ बैंडेजेस मिल गई,
और अब बारी है फिलहाल यहाँ से निकलने की। लेकिन मैंने सोचा यार एक आधा जो है ड्रिंक व्रिंक अगर मैं ढूंढ लूँ तो भाई बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है हेल्थ उतनी है नहीं मेरे पास, बिल्कुल एकदम काफ़ी कम हेल्थ है। सो ड्रिंक व्रिंक मैं जो है इन बंदों से उधार ले लेता हूँ। अब गाड़ी में सिर्फ दो बंदों के बैठने की जगह थी, तो अपन जो है यहाँ से निकल लेते हैं। अब दिक्कत पता क्या थी कि ये बंदा पीछे से फायर नहीं करता, क्योंकि होता है ना कि अगर आप अपने एक टीममेट को छोड़ के जाते हो तो वो पीछे से फायरिंग करके टायर फोड़ देता है। अब हमने इसको कहा कि भाई हम ना गाड़ी लेके आएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन अपन जो है निकल गए क्योंकि उसके टीममेट के पास गाड़ी थी। अब वो बेचारा ब्रिज ब्लॉक कर रहा था, तो हम क्या करें उसमें। अब आते हैं यहाँ पे फ्लेयर चलानी थी हमको, लेकिन तभी जो एक गाड़ी की आवाज़ आती है। गाड़ी की आवाज़ आई तो मैं समझ गया कि वो यहाँ तो नहीं आ रही, क्योंकि वो साइड की तरफ जा रही थी। अब यहाँ पे देखो इस गाड़ी वाले को कैसे निपटाते, लेकिन ये चार थे। फिलहाल यहाँ पे जो है इस गाड़ी वाले को निपटाने की ट्राई करी, लेकिन कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। मैंने फ्लेयर चला दी यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखो तो मेरा पिंक जो है 200-250 के करीबन है, तो इसके लिए माफ़ करना क्योंकि इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, कभी कभी होता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे फ्लेयर चलानी थी, उस बोट के कारण नहीं चला पाया, लेकिन अब मैंने चला दिया। अब वहाँ पे जो है ओपन में बंदे थे कुछ, अब मेरी टीममेट मेरे को वॉर्न कर देता है कि ओपन में बंदे हैं, और देखो फिर यहाँ पे था क्या कि वो बंदा हल्का सा रिच के पीछे था, सो उसको हिट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। खैर वहाँ पे वो जो गाड़ी वाले थे ना, उन्होंने हमारे टीममेट को मार दिया और वो बेचारे जो है फिल जाते हैं। फिलहाल उनको हमको बचाना था, बदला लेना था, बचा तो नहीं सकते। अब यहाँ पे होता क्या कि मेरे बंदा सीधा गाड़ी को घुसाड़ देता वहाँ पे, और मैं यही इसी चीज़ के लिए मैं रेडी था। खैर देखो अब कैसे भरते इनको। अब इनके एक बंदे की आवाज़ मेरे को आ गई थी स्मोक के अंदर से, तो इसको जो है काफ़ी इजीली निपटा दिया। और पीछे वाला जो बंदा था उसके लिए मेरे को जो है मिर्मी ने वॉर्न कर दिया था, हालांकि मिर्मी को हल्का सा डैमेज हुआ उतरते, क्योंकि वो थोड़ा सा चलती गाड़ी से कूदता था। बट यहाँ पे जो है एट द एंड सब कुछ क्लियर हो गया। सामने जो है हमारी जो फ्लेयर थी यार, वो हमने अभी तक लूटी नहीं थी, और इतनी देर में वो भी आ जाते तो उसको भी लूट लिया। लेकिन इतने में इनके पास से भी हमको जो है दो फ्लेयर और मिलती हैं, और इस वाले मैच में स्पॉन रेट काफ़ी ज़्यादा था फ्लेयर्स का, क्योंकि दो फ्लेयर्स तो मेरे टीममेट के पास थी, एक मेरे पास थी, दो एनिमीज के पास से भी मिल गई। तो एक हम यहाँ पे चलाते बेट करने के लिए लोगों को, ताकि हम उनको अट्रैक्ट कर सके, वो हम पे आएँ और उनको निपटा दें हम। अब यहाँ पे एक फ्लेयर चलाई, लेकिन तभी मेरे को दिखता कि एक फ्लेयर और चल रखी है वो बिल्कुल सामने वाले घरों में। अब वहाँ जा ही रही थी कि भाई तभी बीच में जो है, जैसे हमने इस वाले जो शैक इसको क्रॉस किया, तो एक बगी आती है जस्ट हमारे पीछे से। उसको भी कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि हम भी हैं दो बंदे, तो वो अपना साइड में रोक लेता। उसके पास भी फ्लेयर थी इस बंदे के पास। अब उससे पहले कि वो कुछ ज़्यादा कर पाता, तो ये हेडशॉट जो है एंजॉय करो ज़रा। मैं थोड़ा सा ओपन में जाता हूँ ताकि लालच दे सकूँ उसको, और काफ़ी इजीली ख़त्म किया ये वाले बंदे को। लेकिन अब जाना था भाई हमको उस फ्लेयर पे, लेकिन इसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया था यहाँ पे। अच्छा, अगर वो हेडशॉट ना लगता तो मेरे जो टीममेट है वो फिनिश हो जाता वहाँ पे। खैर अब यहाँ पे जो है एक दूसरी फ्लेयर थी, उस पे भी जाना था, लेकिन इतने में हमारी खुद की फ्लेयर भी आ जाती है, तो चेक करने के लिए जो है हमको वहाँ वापस जाना पड़ता है, क्योंकि एक फ्लेयर थी वो काफ़ी दूर चली थी। तो भाई उस पर पहुँचने से अच्छा अपनी फ्लेयर पर पहुँच जाए, ताकि यहाँ पे जो बंदे हैं उनको निपटा सकें। यहाँ पे अपन चेक करने के लिए आते हैं, कोई भी नहीं था यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में बंदे यहाँ पे थे, एक्चुअली वो वेट कर रहे थे एक सही एंगल का। अब जैसे हम वहाँ से निकले तो बंदों का फायर आता हम पे, अब एक हेडशॉट यहाँ पे जो है और इन्जॉय करो। मेरे को लग रहा था कि वो बंदे जो है गए नहीं है, मेरा टीममेट बोलता कि शायद वो लोग जो है चले गए। फिर मैं सोचता हूँ नीचे गए तो नहीं, वो भी कुछ ना कुछ तो करेंगे वहाँ से, उनके पास भी फ्लेयर थी पता। अब यहाँ पे देखो फिलहाल ये लगा इसके लेवल 3 पे हेड, और जो दूसरा बंदा था उसको भी मारता, लेकिन वो रिच के बिल्कुल नीचे चला गया था उतनी देर में। सो हमको जो है यहाँ पे जो है वापस जानना पड़ता है उनके ऊपर। फिलहाल देखो कैसे फिनिश करते हैं, हालाँकि मेरे को नहीं पता था बंदे कहाँ पे, तो वो कुछ ज़्यादा ही आगे ले जाता है गाड़ी को, बट कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी रुक जाती है। किसी प्रकार से मैं यहाँ पर कूदा, और वो बंदे जो बिल्कुल भी सेटल नहीं हुए थे। और यहाँ पे पिंक देखो जरा, नेड कब फेंक दिया और जा कब रहा है। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा वो लोग कंफ्यूज भी हो गए थे कि गाड़ी इतनी दूर गई तो बंदा कहाँ से आ गया। खैर यहाँ पे इन वाली टीम्स को निपटाया, लेकिन एक टीम यहाँ पे और थी। अब वो टीम कहाँ थी, यहाँ पे मैं जस्ट ऐसा कह सकते हो इंटेंशनली फायर कर रहा था, ताकि अगर आसपास कोई भी हो मेरे को देख रहा हो तो फायर करे, और वैसा ही होता है बंदा जो है अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये वाला जो बंदा है ना, ये भी रिच के पीछे ही था। उसके शॉट्स मेरे को पड़ रहे थे, मेरे भी उसको पड़ने चाहिए थे, बिल्कुल
मार तो मैं हेड रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या बहुत ज़्यादा दूर था और वहाँ पे हल्का सा रिच का प्रॉब्लम भी है, तो कई बार आदमी रिच के पीछे होता है तो दिखता नहीं है। एक आधा हेडशॉट मारने की ट्राई कर रहा था लेकिन उस समय हुआ नहीं। काफ़ी फिर मैं ट्राई करता हूँ बैक टू बैक, और मैं जल्दी जल्दी मारने की ट्राई करता हूँ ताकि उस किस पे मैं कहीं नॉक हो जाऊँ तो भाई मैं ओपन में हूँ। अब यहाँ पे जो है पीछे से जोन आ जाता है तो हमको जाना पड़ता है जोन के अंदर। उस बंदे ने वैसे ही बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था मेरे को। अब अगर मैं सोच रहा था यहाँ पे कि अगर मेरे को उतरने से बचना है तो भाई काउंटर फायर तो करना पड़ेगा, सो मैं काउंटर फायर करता हूँ उस बंदी के ऊपर। होता क्या कि वो वाला बंदा जो इतना कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो बंदा रिच के पीछे था। यहाँ पे वो थोड़ा सा फायर करता है बट ऑलरेडी मेरी एचपी काफ़ी कम थी तो कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता यहाँ पे। नॉक भी होता तो मैं यहाँ पे जो है कवर में था। खैर वो बंदे अब फंस चुके थे क्योंकि वो जो है जोन के बाहर थे। अब यहाँ पे गेम जो है कुल मिला के हमारे हाथों में थी। एक बंदा उसका जो है शायद नॉक हो जाता है जोन के कारण, और जो आखिरी बंदा बचा हुआ था उसको काफ़ी इजीली मारा यहाँ पे। सो चलो यार दैट्स इट, ये थे गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर आपको बढ़िया लगा तो भाई बता मेरे को कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ यार जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर लो यार, हिट दैट सब्सक्राइब बटन। पबजी की बात की जाए तो वो जो है हमको एक आधे हफ्ते में देखने को मिल सकता है क्योंकि ओबियसली यार उसके बीटा एक्सेस या जो भी उसका अर्ली एक्सेस है उसको आए हुए जो है 10 दिन के करीबन होने वाले हैं। आई मीन 5 दिन तो हो गए हैं तो अगले एक हफ्ते में 10 दिन हो ही जाएंगे, तो हाँ इतने दिनों में जो है उसके सारे बग ग्लिच फिक्स हो जाने चाहिए, तो जल्दी देखने को मिल सकता है। बाकी आप बताओ कब तक आ सकता है। मैं मिलता हूँ किसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एंड बाय।